हाय फ्रेंड्स, मणिमेकर में आपको बड़े दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले EPL लिमिटेड शेयर के बारे में, जो 152 में आपका फॉलिंग कमेंट बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है टेक्निकली, वो हम आगे देखेंगे वीडियो में। तो जो लोग नए हों इस चैनल में, एग्रेसिव टारगेट और टेक्निकल एनालिसिस और कोई भी स्टॉक के राय जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो। तो उसी के बारे में फिर हमें वीडियो बना के आपको अपडेट करूँगा। EPL फॉर्मली नोन एज, सबसे बड़ी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, लैमिनेटेड फार्मा हेल्थ केयर से लैमिनेटेड आपका सर्विस प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ा पैकेजिंग ग्लोबल कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग लैमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब्स, कैटरिंग, ब्यूटिफिकेशन, ये सब कॉस्मेटिक के ऊपर, फार्मा के ऊपर। तो ये पैकेजिंग सबसे बड़ा कंपनी है। और कंपनी का क्या है, सर्विस प्रोवाइड करता है, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग इन्वेस्टमेंट फर्म्स इन द वर्ल्ड। और ये क्या करता है, और रियल एस्टेट के ऊपर भी है, हेज फंड के ऊपर भी है, सॉल्यूशन ग्रुप के ऊपर भी है, प्राइवेट इक्विटी के ऊपर भी है, बहुत सारे सेक्टर, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। कहाँ कहाँ बिजनेस है, USA बेस्ड है, चाइना में है पैकेजिंग, और बाकी सारे ऑल ओवर द आपका बोल सकते हो, कुछ कुछ यूरोपियन नेशन में भी है। इंडस्ट्री काम काज है पैकेजिंग इंडस्ट्री के ऊपर है। एक्विजिशंस और कितने करोड़, 4,806 करोड़ का मार्केट कैप है। 152 में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। हाई था 230 से 152 में आ गया, और 52 एक लो के नियर में है, तो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है, क्योंकि इसका 52 एक लो है 147 का और 152 में ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक PE 25% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 13% है, रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 12% है, फेस वैल्यू 2 का है। और देख सकते हो कि कैसे स्टॉक ने गिरा है, एक सपोर्ट जोन आ रहा है, जो सपोर्ट आपका निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है इस जगह पे, तो वो सपोर्ट आ रहा है 149 के आसपास। 149 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये दो बार स्टॉक ने सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिया हुआ है। अब इधर भी देख सकते हो कि 149 का ही सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा बाय प्ले रोल किया था, तो यहाँ पर फिर से एक 149 का सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा रिटर्न हो सकता है। तो उससे पहले ये स्टॉक के बारे में हम लोग बता दे रहे हैं। तो आप ही का चैनल है मनी मेकर, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और 55 का पे डिविडेंड, हेल्दी डिविडेंड पे आउट करता है, और डिक्रीज किया है कंपनी का, किस लिए देखते हैं रिजल्ट। रिजल्ट्स का देख सकते हो कि सितंबर का क्वार्टर रिजल्ट आ गया, उसमें अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ दिखाया है, एक्सपेंस भी अच्छा खासा हुआ है। पिछले जून क्वार्टर में 832 करोड़ का सेल्स था, अभी सितंबर क्वार्टर में 948 करोड़ का, मतलब लगभग 98 करोड़ के आसपास आपका प्रॉफिटेबिलिटी हुआ है, सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, एक्सपेंस भी बढ़ा है। एक्सपेंस 708 करोड़ का था, तो वहाँ पे 92 करोड़ और बढ़ गया, 800 करोड़ का हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 123 करोड़ का था जून क्वार्टर में, वो 148 करोड़ का हो गया। इनकम आपका टोटल अदर इनकम 7 करोड़ का बढ़ चुका है, इंटरेस्ट भी आपका 4 करोड़ बढ़ा है, डिप्रिसिएशन आपका 66 मतलब 1 करोड़ बढ़ा है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपका 72 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो नेट प्रॉफिट आपका 48 करोड़, मतलब 13 करोड़ ज़्यादा हुआ है जून क्वार्टर के कंपेयर में। जून क्वार्टर में 35 करोड़ का था, अभी 48 करोड़ का हुआ है, तो अच्छा खासा सेल्स के साथ साथ आगे बढ़ रहा है ये ग्रोथ। लेकिन आपका पीछे में आप देखोगे तो आपका सेल्स ग्रोथ पहले क्वार्टर में गिर गया था, तो इसीलिए आपका 8 मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर में आपका देखो 880 से 832 में आ गया, तो स्टॉक का प्राइस भी नीचे आ गया। अभी फिर से सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अगर मार्च क्वार्टर के साथ कंपेयर करोगे तो फिर भी ज़्यादा है, जून क्वार्टर के साथ कंपेयर करोगे फिर भी ज़्यादा है, और पिछले साल सितंबर क्वार्टर के साथ भी कंपेयर करोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 948 करोड़ का सेल्स ग्रोथ अच्छा है। कंपाउंड ग्रोथ के हिसाब से भी ठीक ठाक है, अभी बैलेंस शीट और भी अच्छा मजबूत होता है दिख रहा है। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रोमोटर ने देख सकते हो कि इंटैक्ट रखा है 51.91%। FII ने थोड़ा सा माल बेचा है सितंबर क्वार्टर में, और DII ने उस माल को खरीद लिया है, क्योंकि DII का इस सेगमेंट के ऊपर ज़्यादा बुलिश है। और DII में कौन कौन है वो देख लेते हैं, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मीरा एसेट लार्ज कैप, एक्सिस बैंक, ICICI पोटेंशियल, आदित्य बिरला, IDFC, ICICI पोटेंशियल, टाटा AIG और DCP, मतलब सारे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट DII का आपका स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुका है। और पब्लिक के इन्वेस्टमेंट देख सकते हो थोड़ा सा बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन DII बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो अभी टेक्निकल सपोर्ट और टारगेट क्या निकल के आ रहा है, अभी देख सकते हो कि फॉलिंग कमेंट बोला जा रहा है, क्योंकि गिर चुका है। अभी 208 का टारगेट है, 37% अपसाइड मोमेंटम, और ये आपका जनवरी लास्ट तक आ सकता है। तो आप 3 महीने के होल्डिंग में आपको एक अच्छा खासा 37.15% का अपसाइड आप देख सकते हो,
तो ऐसे ही एग्रेसिव वीडियो और टेक्निकल एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कर लो आपके चैनल मनी मेकर को, जिसमें अभी धीरे धीरे पॉजिटिव 9 आ गया है, नेगेटिव 14, तो धीरे धीरे आपका यहाँ से एक सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ेगा और 208 रुपये जाएगा। जनवरी लास्ट तक 208 रुपये मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। और आप अपना कमेंट सेक्शन में आप अपना राय जाना सक बोल सकते हो। 9 एनालिसिस में से 7 एनालिसिस स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल दिया है और सारे लोग अभी बाइंग का ही रिकमेंड दिया है, एक ने होल्ड का रिकमेंडिंग दिया है। और अच्छा खासा टारगेट के साथ ये स्टॉक जो है ईपीएस ग्रोथ के हिसाब से अच्छा खासा ईपीएस ग्रोथ भी दिखा चुका है, तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। तो जनवरी लास्ट तक होल्ड का सलाह रहेगा 208।